हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. सो स्टूडेंट, नाउ टुडेज टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट डिमांड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इफेक्ट द डिमांड. रिलेटेड गुड मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, विच आर द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर. Complementary goods, those goods which have to be used together, like car and petrol. So let's start. Example, in substitute good, I am taking tea and coffee. You can take any substitute, okay, like Colgate and Pepsodent. Okay, so increase in price of substitute food. If the price of substitute good increases, for example, we are consuming tea. हम टी कंज्यूम करते हैं और अचानक से क्या सुनने में आता है कि कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो हमारी डिमांड किसके लिए बढ़ेगी, कॉफी के लिए कि टी के लिए? ऑब्वियसली हमारी डिमांड कॉफी के लिए ही ज्यादा रहेगी. इवन व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, टी का प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हम फिर भी टी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे. रीजन इसके पीछे होता है एक मेंटल साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं कि जब हमें लगता है कि अच्छा कॉफी के दाम बढ़ गए तो इसका मतलब चाय के भी बढ़ने वाले होंगे, तो लोग क्या करेंगे, बढ़ने से पहले ही उसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा ले लेंगे. होता है ये चीज. तो यहां पर हमने क्या देखा कि डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ पे आते हैं, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, वी आर परचेजिंग क्यू एट द मोमेंट, वी आर परचेजिंग क्यू, क्यू पे हम परचेज करते हैं, ठीक है. क्यू को मैं एग्जाम्पल में मान लीजिए टू बैग्स ऑफ क्यू, हम प्राइस 5 rupees को मैं प्राइस अस्यूम कर रहा हूँ. 5 rupees के प्राइस पे मैं 2 bags ऑफ टी कंज्यूम कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कॉफी के प्राइस बढ़ गए, मैंने 2 bag की जगह 5 bag ऑफ टी मैंने लेना परचेज कर लिया, यानी मैंने अपनी क्वांटिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज. दिस शो राइट वर्ड शिफ्ट, मैंने एरो बना रखा है राइट की तरफ पे, दिस शो राइट वर्ड शिफ्ट. डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू द राइट व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस. ओके, यू कैन सी राइट में बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस किसका इंक्रीज हो गया है, कॉफी का इंक्रीज. दस कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2, D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो गया है. इवन व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, आप देख सकते हैं प्राइस क्या है हमारे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, यानी कि कॉफी का प्राइस जब इंक्रीज हुआ, लोगों ने टी का कंजप्शन ज्यादा करना शुरू कर दिया, टी की डिमांड लोगों में ज्यादा बढ़ने लग गई. इसके पीछे एक रीजन और होता है कि मान लीजिए कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, टी कंज्यूम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया तो अब वो क्या हो गए, उनकी डिमांड कॉफी से हटके किसके ऊपर आ गई, टी के ऊपर आ गई, तो टी की डिमांड मार्केट में अब क्या हो गई है, ज्यादा हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. इफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है, समय हम कॉफी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आर डिमांड गोज फॉर कॉफी. टी को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉफी से. क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कॉफी का दाम क्या हो गया है, कम. एज पर द लॉ ऑफ डिमांड से वी परचेज मोर एंड मोर व्हेन द प्राइस इज लेस, ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला है इसका. तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सो प्राइस हमारा यहाँ पर ये सेम कॉन्स्टेंट था, प्राइस हम क्वांटिटी ये परचेज कर रहे थे क्यू के, यानी कि हम यहाँ पर मान लीजिए 5 bag ऑफ टी हम परचेज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी का प्राइस कम हो गया है, तो अब लोग 2 bag परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लोग किस पे शिफ्ट हो गए, उनकी डिमांड किस पे शिफ्ट हो गई है, कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो गई है. ओके, डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट देखिए एरो मैंने लेफ्ट की तरफ बना रखा है, शिफ्ट टू लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस. Thus, consumer shift from D1 to D2, even price is constant. यानी कि अब उनकी डिमांड क्या हो गई है, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई है, कम परचेज कर रहे हैं टी को, क्योंकि कॉफी क्या हो गई है, सस्ती हो गई. Now, let's come to the complementary goods. Here I have taken the example of car and petrol. You can take shoes and socks. कुछ भी आप जो complementary आपको लगता है, complementary goods वही होते हैं जो बहुत एक साथ हैं, together हमें use करने पड़ते हैं. एक के बिना दूसरे की कोई value नहीं है. So, car and petrol. Increase in price of complementary goods. अगर price complementary goods का बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? Obviously, हमारी demand कम हो जाएगी. एग्जाम्पल, डिमांड कर्व फॉर कार शिफ्ट टू लेफ्ट, देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट टू लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस. अब अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, पैदल चलना पसंद करेंगे, लोग कहेंगे हम गाड़ी क्या खरीद के क्या करेंगे, जब इतना महंगा पेट्रोल है,
रोज थोड़ी डाल पाएंगे पेट्रोल, सो उनकी डिमांड इसके लिए कम हो जाएगी, व्हीकल के लिए कम हो जाएगी। Thus, consumer shift to D1 to D2. D1 से क्या हो गया, उसकी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड शिफ्ट, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है D2 में, buying less car even when price is constant, यानी कि कार की प्राइस में कोई फर्क नहीं आया था लेकिन फिर भी कार की डिमांड कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यू कैन सी D1 से D2 फॉरवर्ड शिफ्ट जा रहे हैं। क्यों, डिमांड कर फॉर कार शिफ्ट टू राइट व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज, दस शिफ्ट फ्रॉम D1 to D2 बाइंग मोर कार व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अब जैसे हमें पता चला पेट्रोल के दाम बहुत ही ज्यादा कम हो गए, तो जब पेट्रोल के दाम कम हो गए लोगों ने क्या करना परचेज कर लिया शुरू, कार या स्कूटर बाइक सबको व्हीकल को परचेज करना शुरू कर लिया। क्यों, क्योंकि अब जो उसमें पेट्रोल डलेगा वो सस्ता डलेगा। So, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हमारे पास सामने यही है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज, यानी कि पर्टिकुलरली जो कार में अगर यूज कर रहा हूँ और पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरी डिमांड कार के लिए कम हो जाएगी इवन व्हेन कार का प्राइस कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर क्या होगा डिक्रीज आ जाएगा तो मेरी डिमांड कार के लिए बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि पेट्रोल अब क्या हो गया है, सस्ता हो गया। ठीक क्लास, सो एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज आस्क। थैंक यू।